टेलीकॉम कंपनियां के नेट स्पीड का यहां पे पर्दाफाश करने जा रहा हूं इस वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनियां आपको कैसे झूठा बोलकर और आपको नेट का स्पीड ज़्यादा बताकर आपसे बहुत सारे पैसा ठग लेते हैं, समझिए। तो क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग समझेंगे इंटरनेट स्पीड। टेलीकॉम कंपनी आपको बोलेंगे कि 100 Mbps का हम स्पीड आपको देंगे, जिसके बदले इतना पैसा आपसे लिया जाएगा इंटरनेट का। लेकिन 100 Mbps देता है, ये सही है, लेकिन क्या देता है 100 Mbps यहाँ भी है और 100 Mbps यहाँ भी है। आप लोग को अंतर नहीं पता चलता होगा और आप लोग सिर्फ लेटर पर ध्यान देते होंगे, लेकिन लेटर पर बिल्कुल सही से ध्यान नहीं देते होंगे। देखिए Mbps में M के बाद जो है B है, स्मॉल है, और यहाँ M के बाद B जो है वो कैपिटल है, और यही स्मॉल कैपिटल में अंतर है। अंतर क्या है? B स्मॉल का मतलब हुआ बीट से और कैपिटल का मतलब हुआ बाइट से। आप लोग बीट और बाइट में समझते होंगे अंतर। बीट के मतलब हो गया कि 8 बीट जब मिलेगा ना तो 1 बाइट बनेगा। अब समझिए, तो 10 से 24 बाइट, यानी कि 10 से 24 जब बाइट होगा और तब बीट कितना होगा? बहुत ज़्यादा बीट हो जाएगा। तो ये 10 क्या करता है, 100 Mbps, मतलब कि 100 Mbps को नेट दे रहा है, ना कि 100 Mbps दे रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज़्यादा काट ले रहा है, 8 बीट दे रहा है तो 1 बाइट हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि 8 बीट 10 से 24 हुआ तो कितना बाइट देता है, बहुत कम ही Mbps देता है ये। और आपको क्या कहता है, छोटा वाला यानी कि बी जो है स्मॉल यानी कि बीट्स देता है, 100 Mbps आपको स्पीड देता है, ना कि 100 Mbps नेट नहीं देता है। और इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग क्या लेटर पर ध्यान देते हैं, Mbps में तो दे ही रहा है। ये ध्यान रखिएगा, Mbps में बी कैपिटल होना चाहिए, अगर बी कैपिटल है तो आपका नेट स्पीड सही हुआ, अगर स्मॉल है तो बाइट्स नहीं देकर आपको बीट्स में दे रहा है। और यही बाइट्स और बीट्स में हम लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेट स्लो देता है और क्या रेंज दिखा देता है Mbps, और हमसे पैसा वो ठग ले जाता है। तो इसको ध्यान देकर और सावधान रहिए, इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।